तुम भी अकेले मैं भी अकेले क्यों ना हम शादी कर लें। अच्छा हम जान की बात सुनो जी मैडम। एक पानी का ग्लास लिया जी नॉर्मल जी मैम थैंक यू। इधर रखो हाँ इधर रख लो। जाहिर आज खाने में क्या बना रहे हो? तो भिंडी गोश्त अच्छी होती नॉर्मल साथ भी बड़ा दिखा रहा है। कुछ प्यारे से खाने की चीज बना तो साथ ही मैम क्या खाना था दराज इतने सालों से मुझे आज मिला तुम्हें पता था तो भिंडी गोश्त फेवरेट थी साहब की भी और आपके आपके साथ फेवरेट आप नहीं है साहब के साथ फेवरेट थी अब नहीं है जी मैडम वो बात तो आप ठीक है ना कि आज तनहा बैठ के खाना खाने वाला कुछ बना ठीक है मैम कैसे बता हाँ करवाहट की करवाहट मर जाती है कि मैडम उतनी परेशान ना होकर जो होना था हो गया क्या फायदा परेशान हो जाए तुम समझ नहीं सकते तुम नहीं समझ रहे तुम 5 सालों में मुझे बस देख रहे हो ये है हर इंसान की जरूरत पैसा या घर बार नहीं होता बहुत सी पर्सनल चीजें होती है लाइफ में जी मैम होता ठीक कह रही है इतना खुद बदले ना कैसे मतलब आप तनहा बंदा अपने आप को नहीं बदल सकता किसी इंसान को ना गिवन टेक करने के लिए मेरी बात सुनो तन्हा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता मैं अकेली क्या करूं दीवारों में सर पटकूं कैसे बोलो अच्छा बैठो तो सही खड़े क्यों मैडम मैं आपके बराबर कैसे हूँ यार ये पुराने वॉल्स हैं बैठो जी मैम और ये मुकाबले वाली बात ना किया करो मेरे आने से पहले ही तुम इस घर में हो मेरे जितना हक है तुम्हारा इस घर में मैंने तुम्हें कभी नौकर नहीं समझा बड़े पन की बात नहीं हम इस घर में 2 फ्रॉड हैं तुम और मैं किससे बात करूं पहले मुझे ये बताओ दीवारों से बात करूं इन फूलों से इन ये ईंट पत्थर से बातें करो किससे बातें करें मैडम आप एक काम क्यों नहीं करती आप कहीं बाहर आउटिंग पे चले जाएं कुछ दिन के लिए किसके साथ जाऊं कोई मेरा दोस्त नहीं है कोई फ्रेंड नहीं है आज आके तुम्हारे साथ साथ में रहती थी और जब से वो गए हैं जिंदगी भी उनके साथ ही है वो अकेला बंदा भी जा सकता है मैडम आप एक दफा ट्राई तो करें तुम मेरे साथ चलोगे मैडम मैंने क्या करना चाहिए वैसे भी घर के इतने काम होते हैं तो मैं कैसे जाऊं हमारे घर में कोई 10-15 लोग हैं रहने वाले कोई छोटे छोटे बच्चे हैं इतना तो काम है यही बात है मुजाहिद किसी की तकलीफ को छेड़ना जख्म खरीदने में और मरहम लगाने में बड़ा फर्क है जाओ जाके काम करो जी मैडम अनजाने में सही बात की ठीक है बंदे को अपने आप को चेंज करना चाहिए अच्छा है ये इससे अच्छा कौन है मेरे लिए वफादार भी है अभी तक सोए नहीं मैंने सोचा मैडम सही कर दूं क्योंकि सुबह फिर आप लेट उठती हैं तो सही खड़ा रहते हैं तो कोई बात नहीं हमारे घर में कौन सा कुछ नहीं आना होता है इतनी आती है रात को ना जागा करो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी टाइम से सो जाया करो कोई बात नहीं मैडम हमारा भी पता नहीं होता कब उस वक्त आ गया अच्छा एक बात बताओ अच्छा एक बात पूछो जी मैडम जी मैं 5 सालों से तुम्हें यहाँ देख रही हूँ ना कभी तुम्हें भी मिलने आता है और ना तुम कभी घर जाती हो क्यों मैडम मैं भी आप ही की तरह अकेला हूँ कोई नहीं है पीछे जो भी मिल गया भाई थे उन्होंने निकाल दिए घर से कहाँ जाऊँ सीरियसली
जी तुम भी अकेले, मैं भी अकेली, क्यों ना हम शादी कर लें। मैडम जी ऐसे कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकता। और मानती हूँ मैं बाजे को। तो तुमने मेरी खिदमत भी तो की है ना इतने साल, तुम्हारी वजह से मैं कायम हूँ। वो भी मेरा काम था मेरे साथ। अगर मगर छोड़ो क्या तुम्हें समझती मतलब अच्छी है फिर तुम मेरे साथ किसी और को देखना चाहती हो और मैं अपने साथ तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैडम कुछ टाइम दे सोचने का, मैं सोच के बताऊंगा। किससे पूछना टाइम? माँ से, बाप से, किससे पूछोगे जब कोई है ही नहीं है? इतना बड़ा फैसला? कोई बड़ा फैसला नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना कोई फैसला नहीं होता। बोलो। जी ठीक है मैडम। ये हुई बात। ठीक है जाके रेडी हो जाओ, सुबह शादी करेंगे। जी।